तो गाइस ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को किसी ने वन वर्सेस वन कस्टम के लिए सैलेंस ना और दिया हो। किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग मुझे ही देख लो गाइस, ठीक है। आप लोग मेरे हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट तो ऐसा जरूर से देखो कि आज आप भाई वन से वन करते हैं, सभी लोग मतलब मेरे से वन से वन करना चाहते हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि मैं ज्यादा गेम नहीं खेल पाता, इसलिए बहुत सारे बंदे के साथ में नहीं खेल पाता, कुछ कुछ के साथ खेल भी लेता हूं गाइस, ठीक है। और गाइस आज मैं इसीलिए 2.5 साल का एक्सपीरियंस लेके आ जाऊं फ्री फायर खेलने का, 2.5 साल का एक्सपीरियंस लेके आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, 3 टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कि बहुत ही मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिससे आप लोग हर एक वन वर्सेस वन कस्टम मतलब गाइस आज के बाद अगर कोई वन वर्सेस वन के लिए आज के बाद आप लोग को चैलेंज करेगा ना तो वो पक्का हारने वाला है। तो बस आप लोग को करना क्या है कि अपने जो भाई का वीडियो है ना, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना है, क्योंकि गाइस आप लोग को नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा वीडियो के अंदर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं गाइस, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से करना फॉर द फर्दर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलो गाइस बात करते हैं सबसे पहला नंबर ट्रिक नंबर 1 के बारे में। ट्रिक नंबर 1 पे आप लोग को ऑलवेज ध्यान देना है कैरेक्टर स्किल स्लॉट के ऊपर गाइस, ठीक है। तो कैरेक्टर स्किल स्लॉट पे ऐसा कैरेक्टर रखो जिससे आप लोगों को कस्टम खेलने में ना मदद मिले, जैसा कि उकोंग मान लो गाइस, ठीक है। उकोंग पे डैमेज नहीं बढ़ता और आप लोग एनिमी को आराम से मार सकते हो गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों का मैक्सिम गाइस, ठीक है। मैक्सिम मतलब क्या होता है, आप लोगों का ग्लूटोनी देता है, मतलब आप लोग जितना जल्दी जल्दी मेडिकी जो है ना मार सकते हो गाइस, ठीक है। एनिमी से बहुत ही ज्यादा देखो गाइस डैमेज पड़ जाता है, और आप लोगों को मेडी मारने के लिए ना एनिमी आप लोगों को सांस ही नहीं देगा अगर आपको डैमेज वो पहले देता है तो गाइस, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मैक्सिम यूज कर सकते हो, मैक्सिम से आप लोग बहुत ही जल्दी जल्दी जो ना हील कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग देख ही सकते हो उकोंग गाइस, ठीक है। उकोंग इतना ज्यादा हेल्प करता है, आप लोगों को क्वाड्रा किल तक निकाल सकता है गाइस, ठीक है। मतलब मान के चलो आप लोग एक बंदे को मार देते हो, उसके बाद उकोंग का स्किल जो होता है ना तुरंत एक्टिव हो जाता है और आप लोग यूज कर सकते हो गाइस, ठीक है। यूज करने के बाद दूसरा बंदे को जैसे डाउन करते हैं ना उसके बाद फिर से आप लोगों का एक्टिव हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस, ठीक है। मेरा जो उकोंग का स्किल है वो एक्टिव नहीं है, जैसे मैं बंदे को मारता हूं मेरा स्किल एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद गाइस मेडी भी मार सकते हो आप लोग और लूट भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। जिससे आप लोग को एकदम सिक्योर हो जाते हो कि आप लोग कहीं से, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप लोग लूट कर रहे हो ना तभी आप लोगों को एनिमी मार देता है, तो अगर आप लोग उकोंग कैरेक्टर लेते हो तो उससे गाइस आप लोगों को, और गाइस आप लोग स्किन पर देख ही सकते हो नॉट ओनली इन वन वर्सेस वन कस्टम, आप लोग 4v4 कस्टम में भी ना आप लोग उकोंग कैरेक्टर यूज करके बहुत ही इजीली एनिमी को जो है ना मार सकते हो। तो गाइस आप लोग यूज जरूर से करना। तो चलो गाइस अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 के बारे में। ट्रिक नंबर 2 पे आप लोग को ध्यान देना है 360 वॉल के ऊपर, मतलब पूरा सर्कल लगाना गाइस, ठीक है। आप लोग क्या करना है इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना गाइस, ठीक है। आप लोगों को 3 वॉल लगाना, आप लोग याद रखना गाइस, ठीक है। तो 3 वॉल आप लोग कैसे लगाओगे मैं दिखा देता हूं। गाइस आप लोगों को क्या करना है, एक वॉल लगाना है गाइस, ठीक है। एक वॉल लगाना है, उसके बाद दूसरा वॉल आप लोगों को एकदम अपने करीब लगाना है गाइस, ठीक है। उसके बाद तीसरा वॉल जब लगाते हो ना तो आप लोग पैक हो जाते हो गाइस, ठीक है। लेकिन चौथा वॉल जैसे लगाते हो ना तो आप लोगों का जो पहले वाला वॉल था वो फूट जाता है, तो आप लोगों को बस तो गाइस जैसा कि आप लोग ना स्क्रीन पे देख ही सकते हो, मैं आप लोगों को स्लोली दिखा रहा था। एक वॉल लगाया, उसके बाद दूसरा वॉल एक ना अपने करीब लगाना है गाइस, ठीक है। और तीसरा वॉल जब आप लोग लगाते हो ना तो आप लोग पूरा कंप्लीट पैक हो जाते हो, याद रखना गाइस, ठीक है। लेकिन आप लोग जब चौथा वॉल लगाओगे ना तो पहले वाला वॉल फूट जाता है, तो ये याद रखना। और आप लोग इसको ना जल्दी जल्दी भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। अगर आप लोग स्पीडली करते हो तो जल्दी पैक हो जाता है, इसलिए आप लोग क्या होगा प्रैक्टिस आप लोगों को चाहिए होगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। ये करना इतना टफ भी नहीं है गाइस, ठीक है। आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को जो फायर वाला ग्लोअल इक्विप करके फायर वाला जो बटन होता है ना अपने तरफ खींचना है गाइस, ठीक है। अपने तरफ जैसे खींचोगे ना आप लोगों का छोटा सा सर्कल आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों को जल्दी जल्दी गाइस, ठीक है, स्पीडली करना है। मैं स्लो मोशन में आप लोगों को स्पीडली करके दिखा रहा हूं। कभी कभी आप ओपन में रहते हो और अपना एनिमी आपको डैमेज दे देता है ना, तो आप लोग कहीं भी कवर लेने के लिए ना आप लोग ये ग्लोअल लगा सकते हो गाइस, ठीक है। अगर सीख जाओ ना तो ये पैक पूरा कंप्लीट पैक करके आप लोग ना हील भी कर सकते हो बड़े आसानी से गाइस, ठीक है। बस आप लोगों को 3 ग्लोअल लगाना, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने एक स्टैंड ग्रेनेड कर दिया ताकि एनिमी को डैमेज मतलब पता ना चले, और मैं देख रहा हूं गाइस मैं उसके बाद मेडी लगा रहा हूं गाइस, ठीक है। तो ऐसे मेडी लगाना सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। तो चलो गाइस अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 के बारे में। तो गाइस ट्रिक नंबर 3 को समझने के लिए ना आप लोगों को थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि किसी भी यूट्यूबर से ना आप लोगों को ये वाला ट्रिक नहीं बताया होगा। तो देखो गाइस अगर आप ओम चलाते हो वन वर्सेस वन कस्टम में गाइस, ठीक है, अगर आप ओम चलाते हो तो आप लोगों का सबसे बेस्ट होता है एक स्टैंड ग्रेनेड ना अपने पास कर लो गाइस, ठीक है। स्टैंड ग्रेनेड करने के बाद आपको ना एनिमी नहीं देख पाएगा कि एग्जैक्ट आप हो कहां, और आपको हेडशॉट जो है ना हेडशॉट वो नहीं मार पाएगा गाइस, ठीक है। तो अगर आप लोग ओम चलाते हो, आप लोग स्कोप इन करते हो तो आप उसको देख पाओगे, आप एनिमी को देख सकते हो, लेकिन गाइस एनिमी आपको नहीं देख पाएगा। ये सबसे बेस्ट ट्रिक होता है अगर कस्टम आप लोग वन से वन जीतना चाहते हो। और गाइस ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ओम से ही काम करेगा ये ट्रिक, आप लोग ना आप लोग दूसरा गन की स्कोप इन करने से भी ना आप लोग ये वाला ट्रिक
जो ना फॉलो कर सकते हो गाइस। ठीक है, बहुत ही ओपी वाला ट्रिक होता है। और आप लोगों को तीनों में से कौन सा ट्रिक सबसे ज्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर से। तो उम्मीद है आप लोगों को जो वीडियो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे शेयर जरूर से करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।